नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस स्टडी पर। राजस्थान बोर्ड कक्षा आठवीं का जो पेपर होने वाला है विज्ञान विषय का 18 मार्च 2020 को, उसके लिए ऐसे क्वेश्चन लेके आया हूँ जो कि दोस्तों आपके 110% एग्जाम में आ सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक देखते रहेगा। उससे पहले अगर हम चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बिल्कुल प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाले हर नई वीडियो को नोटिफिकेशन मिल जाए। देखिए इस प्रकार से क्वेश्चन है। देखिए अधातु ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या बनाती है, अम्लीय ऑक्साइड। ये जो प्रश्न दे रहे कि आपके ऐसे प्रश्न हैं जो कि आपके एग्जाम में आएंगे, तो आप इस प्रश्न को जरूर रट लें। और ये मेरे पास PDF है, तो इस PDF को किस प्रकार से डाउनलोड करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए इस प्रकार प्रश्न को रट लेना है, ऐसे प्रश्न आपके आएंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है, तो इन सभी प्रश्नों को एक बार रट लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो बस आप इस पेपर को देखते चलिएगा, सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इस पेपर को जरूर पढ़िएगा। ऐसे ही क्वेश्चन है जो कि मैंने उपलब्ध करा रहा हूँ आप सभी विद्यार्थियों के लिए, सोचा आप सभी विद्यार्थियों के लिए कि भी आपके लिए कुछ हेल्पफुल हो जाए वीडियो। देखिए दोस्तों, जो मैंने संस्कृत के पेपर बताए थे उन्हीं में से क्वेश्चन आए हैं, और जो लोग अपने इस वीडियो को देख कर ही, जिस लोगों ने इस वीडियो को, जो मैंने संस्कृत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए थे उनमें से कुछ लोग तो वीडियो को डिसलाइक कर रहे थे, कुछ लोग गलत कमेंट कर रहे थे कि ये पर्सन नहीं आएंगे। और दोस्तों उनका काम क्या था, सिर्फ डिसलाइक करना, और उनका पेपर अच्छा नहीं हुआ होगा। और बाकी जिन विद्यार्थियों ने वीडियो को पूरा देखा है उन सभी विद्यार्थियों के पेपर बहुत अच्छा हुआ। और अब की बार जो 8 में जो साइंस का पेपर है बहुत अच्छा होगा अगर आपने वीडियो को पूरा देखा है। तो इस प्रकार से PDF मिल जाएगा, सारा PDF है, इसका लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में। क्लास 8 के मॉडल पेपर डाउनलोड करने के लिए आप विजिट कीजिए brdstudy.online वेबसाइट को, लिंक डिस्क्रिप्शन में, यहाँ पे जाना है। जाने के बाद आप यहाँ पे क्लास 8 के सारे मॉडल पेपर डाउनलोड कर सकते हैं। बस आपको यहाँ पे जाना है और यहाँ पे देखिए मैथमेटिक्स, हिंदी, इंग्लिश सारे के मॉडल पेपर मिल जाएंगे। लिंक डिस्क्रिप्शन में कहाँ है, लिंक डिस्क्रिप्शन में, वीडियो का डिस्क्रिप्शन है, वहाँ पर क्लिक कीजिए आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रकार से डाउनलोड कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया, वहाँ जाके आप डाउनलोड कर लीजिएगा और सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। बस आपको वेबसाइट का लिंक जैसे डिस्क्रिप्शन दे रखा है वहाँ से डाउनलोड मिल जाएगा। ठीक है, देखिए रुदिक गणना कितनी प्रकार की होती है, उनमें से प्रश्न पूछे गए हैं। फिर यहाँ पे हम बात करते हैं लघु उत्तरात्मक, तो देखिए बड़े बड़े क्वेश्चन आंसर आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। सारे क्वेश्चन आपको, ऐसे मत सोचना कि यहाँ पे आपको 2018 लिखा आ रहा है तो ये पेपर 2018 का, नहीं, क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट हैं, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट मिलेंगे। ठीक है, साइलो किससे कहते हैं, सारे क्वेश्चन आपको इस विषय से मिलने वाले हैं। तो सब PDF बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी को रट के जाना और ये PDF में सवाल उठे जाएंगे। ठीक है, पूछ जाएंगे आपके। ठीक है, मिट्टी पोली कैसे कहते हैं। फिर हम बात करते हैं लघुत्रात्मक क्वेश्चन की, तो लघुत्रात्मक ऐसे आएगी, सोनू ने अपनी माताजी को नींबू बर्तन वाला, ये भी मलेरियो के बचाव के उपाय लिखने हैं। फिर आपको दैनिक जीवन में किसी एक प्रकार के लिखना है। ठीक है, ये भी लघुत्रात्मक उत्तर आपको मिल जाएंगे। दूरदर्शी थे, पीटी रोग छाट कर संदर्भित करना है, लघु पतन क्या है। ठीक है, आमतौर पर वाले ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, प्रोवाइड करा रहा हूँ। एड्स रोग के बचाव उपाय बताने हैं, कार्य किसे कहते हैं, कार्य का मात्रक बताना है। ठीक है दोस्तों, सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी एग्जाम की दृष्टि से, तो इससे उसी कारण बता रहा हूँ। स्वच्छ स्पष्ट कीजिए कि आंसू जल को कैसे विद्युत का चालक बनाया जा सकता है, यह आपको स्पष्ट करना है। ठीक है दोस्तों, पानी में किस फैसिलिटेट नहीं आती, क्योंकि दोस्तों अपवर्तन के कारण आती है। विद्युत लेपन के 4 उपयोग बताने हैं, स्वयं के शरीर की स्वस्थ है तो आप क्या क्या उपाय करेंगे वो बताना है। पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान वाला दे रखा है, रक्त के 4 कार्य लिखने हैं। लघुपतन के कारण परिपत्न होने वाले उत्तल और अवतल लेंस में 4 प्रमुख बताने हैं। यदि घुंघरू 10 सेकंड में 400 कंपन करता है, उसकी आवृत्ति क्या होगी। फिर देखिए कृत्रिम उपग्रह वाला बहुत इंपॉर्टेंट, जैव विविधता हॉटस्पॉट क्या है, पर्यावरण प्रदूषण किसे कहते हैं, सारे क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं। ठीक है, कितने प्रकार की रुधिरना होती है, रुधिरकरण का होती है, ऊर्जा के कार्य क्या है, इस प्रकार से पलायन वेग से आप क्या समझते हैं, स्वस्थता से क्या तात्पर्य है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, सभी के लिए, विद्यार्थियों के लिए, जो कि मैं उपलब्ध करा रहा हूँ। और देखिए ऊर्जा के स्रोत दे का आपको चित्र बना के, ठीक है, फ्लो चार्ट बनाए हुए, ये देखिए किसी घंटी जो 4 कंपन करती है आउटकाल क्या होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट, आंसू जल वाला आएगा, स्वच्छ अभियान क्या है, इस पर टिप्पणी लिखना है। हरित गृह से आप क्या समझते हैं, कार्य किसे कहते हैं, निबंधात्मक बहुत इंपॉर्टेंट, CFC का पूरा नाम लिखना है, और मिलान करने वाला भी एक क्वेश्चन आपके जरूर पूछा जाएगा एग्जाम में, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। सोशल मीडिया वाला, ठीक है, परिवर्तन किसे कहते हैं,
रोगी और इस प्रकार से देह को मिल जाएगा। फिर देखिए मानव हृदय का चित्र बनाना है जो कि 2018 में 17 में पूछा गया था, तो दोस्तों आप याद कर लीजिए। फिर आपका आएगा धतूरे के पुष्प का काट चित्र बनाना है, वायरस HIV वायरस का बनाना है। पर देखिए निबंधात्मक प्रश्न आपको दे रखे हैं, विद्युत धारा के उसमें प्रभाव पर कोई आपको उसके उपयोग लिखने हैं, जल प्रदूषण क्या है, वायु प्रदूषण क्या है, ठीक है, अम्ल वर्षा, कृत्रिम उपग्रह है, विद्युत के तापीय प्रभाव ने समझाना है, और देखिए विद्युत का उसमें प्रभाव दे रखा आपको, स्वाइन फ्लू क्यों होता है, ठीक है, सारे प्रश्न दे रखें। और जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। एड्स के एक बचाव के उपाय लिखने हैं, इंटरनेट आधारित टेलीमेडिसिन के उपाय बताने हैं, रक्तदान कौन कर सकता है, ठीक है, ये सारे भारतीय अंतरिक्ष वाले, ई मित्र सेवा अति महत्वपूर्ण है, कृत्रिम उपग्रह किसे कहते हैं, ईमेल क्या है, कोई 5 विशेषता बतानी है। अब हम आते हैं अपने पहले मॉडल पे की तरफ, तो देखिए आपको पहले मॉडल वह धातु जो कि विद्युत की चालक है क्या कहलाएगी। फिर काली पतंग देखिए मैंगो पादप की श्रेणी है, ब्रायोफिला में कायजनक होता है, इस प्रकार से जो प्रश्न मिलेंगे आपको। फिर जब वस्तु द्वारा किए गए विस्थापन अधिक हो तो कार्य कैसे होगा, कम होगा, अधिक होगा, कैसे होगा। रबी की फसल जाएगी तो उदाहरण देने, सिंचाई से कौन कौन से साधन है ये बताने हैं। एक तत्व को जलाने में सफ़ेद रंग की राखी बन जाती है, इसे रासायनिक चित्र बनाना है। श्वेत रक्त कणिकाओं को कणिका क्यों कहते हैं। फिर टेरिकोट के 2 प्रकार के लिखने हैं, थर्मोप्लास्टिक किसे कहते हैं, आपने द्विलिंग वाला इस प्रकार से देखा 4-4 नंबर का, ठीक है। प्रश्न सारे इंपॉर्टेंट है, ऐसे मत देखिएगा कि ये पेपर आपका 2018 का है तो उसमें क्वेश्चन नहीं मिले, ऐसा नहीं है। पेपर आपका किसी का भी हो, कौन से भी ईयर का हो, लेकिन जो क्वेश्चन है ना, मेन क्वेश्चन आपकी, जो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है दोस्तों, जो क्वेश्चन मैंने बताए वो आपके इंपॉर्टेंट, ओके। अम्ल वर्षा किसे कहते हैं, सारे क्वेश्चन है, बस निबंधात्मक प्रश्न पढ़ लेना जो मैंने बताया अभी उन। अगर आपने इन सारे पेपर यानी क्वेश्चन को अच्छी तरह से कर लिया तो यकीन माने दोस्तों आपके A+ ग्रेड बन जाता। तो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के रिगार्डिंग। दोस्तों अगर आप क्लास 8 में तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों अगर आपने अभी तक डाउनलोड ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके डाउनलोड कीजिए, यहाँ पे अपने क्वेश्चन की फोटो क्रॉप कीजिए, उसे सेंड कर दी, तुरंत आपका आंसर वीडियो सॉल्यूशन के साथ मिलेगा। तो दोस्तों अभी जाइए तुरंत और अभी डाउनलोड कीजिए डाउनलोड ऐप, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन गिवन बिलो, जाइए और डाउनलोड कीजिए डाउनलोड ऐप को, आपका कोई भी साउट जरूर मिलेगा जवाब, और यहाँ पे क्विज खेल कर भी ऐसे कमा सकते हैं। तो अभी जाइए और अभी डाउनलोड कीजिए डाउनलोड ऐप को, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन गिवन बिलो, ठीक है दोस्तों। ये प्रश्न आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, जो कि मैं अभी लेके आया हूँ आप सबके लिए, विद्यार्थियों के लिए। अब देखिए क्रम संकरण के उपाय बताने हैं। अब आते हैं मॉडल पेपर 2 की तरफ, तो ये दोस्तों इसमें भी आपको प्रश्न देखने को मिल जाएगा। सरार लाल लिटमस को लाल करता है, इस प्रकार से संकटापन प्रजाति और उसकी आपको पाए जाने वाले जंतु कौन कौन से हैं, एनीमिया में शरीर की कमी क्यों हो जाती है, किस कारण कमी होती है, ठीक है। फिर आपको बताने खरपतवार से बचाव के उपाय देने हैं, साइलो किसे कहते हैं, ऐसे क्वेश्चन। ग्रेफाइट, ये देखिए ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है, क्यों होता है, उपाय बताने हैं। और रासायनिक अभिक्रिया के गुणधर्म लिखने हैं, वनस्पति उद्यानों की आपको स्थापना क्यों की गई है, चोट लगने पर रक्त का बहना क्यों आता है, और यहाँ पे स्पष्ट करना है कि आंसू जल को कैसे विद्युत का सुचालक बनाया जा सकता है। स्वाइन फ्लू के लक्षण देने हैं, उत्तल और उत्तल में प्रमुख अंतर बताने हैं, ठीक है। स्रव अपस्रव वाली ध्वनि है वो किस प्रकार से निकलती है, इस प्रकार से, तो ये चीज़ें हैं ना। हरित गृह प्रभाव से आप क्या समझते हैं, 22 नंबर से 25 नंबर तक आएगा। चक्रवात के समय जनता द्वारा किए जाने वाले कार्य व समर सावधानी बतानी है, जो कि 6 नंबर का आएगा। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्जाम की दृष्टि से जरूर याद करें दोस्तों। और जो अगर आपने अभी तक डाउटनेट ऐप को डाउनलोड नहीं करा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए, जाइए और डाउनलोड कीजिए डाउटनेट ऐप, लिंक इधर डिस्क्रिप्शन गिवन बिलो। आप कोई भी क्वेश्चन हो उसका फोटो क्रॉप करना है और उसे सेंड कर देना है, तुरंत आपको आंसर वीडियो सॉल्यूशन के साथ मिल जाएगा। तो अभी डाउनलोड कीजिए डाउटनेट ऐप। यहाँ पर देखिए मेंडल वाला भी नियम बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि 10th में भी आता है, और वर्तमान में इसमें जो प्रश्न दे रखा है प्रक्षेपित किए जा रहे हैं, विद्युत चुंबक कैसे बताते हैं, सचित्र बनाना है, जो कि बहुत अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो दोस्तों मॉडल पर 3 आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, और अच्छा लगा वीडियो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल को प्रेस करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और वंदे मातरम।